Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, and I हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग आपको अपने गांव का मंदिर दिखाने जा रहे हैं। वो बगल में ही, मेरे घर के पास में ही है। वो बेसिकली दुर्गा मंदिर के नाम से फेमस है। वहां पे बहुत तरीके का मंदिर है और मंदिर, चलिए आपको हम दिखाते हैं। यही रोड है मंदिर जाने का, और ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है बेसिकली, जिसको कि इनार, गाँव बिहार के भाषा में इसको इनार बोला जाता है और असली में इसको कुआं बोला जाता है। और ये जो इस पे आप देख रहे हैं ये पनघट है, इसको पनघट भी बोला जाता है। और ये अच्छा खासा बैठने वाला है, जब रात होती है तो हम लोग इस पे आके बैठते हैं। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बैठने में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है पुलपुल, और ये गाँव की छोटी गंगा है। ये पानी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत समय पानी लग जाता है, और हमें इसी के थ्रू मंदिर जाना पड़ेगा। यही रोड है मंदिर जाने का। ये देखिए, हम तीनों भाई मंदिर पे जा रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है वो फ्लो कुछ ज़्यादा ही तेज है मंदिर की तरफ। और ये हमारा एक छोटा भाई है आशू। ये आशू का गौशाला है। यहाँ पे आशू अपने गायों को रखता है। और ये देखिए आशू, मिस्टर आशू, की करे छी आशू। ये पानी, ये जो है ये गाय का खाने का जगह है, उसमें पानी लग गया है तो ये पानी निकाल रहा है। और मेरा भाई, और ये सब आपको बताएंगे कि कैसा रहता था बचपन। तो मुकुंद, कुछ बताओ कि कैसा लगता था बचपन। बहुत अच्छा, बहुत मस्ती करते थे यहाँ पे। आश्विन दुर्गा पूजा में यहाँ पे आते थे यार, बहुत ही अच्छा लगता था। और सही में बहुत ब्यूटीफुल होता था दुर्गा पूजा यहाँ का, होता है, स्टिल होता है, लेकिन अब हम लोग तो बाहर रहने लगे हैं इसलिए नहीं इंजॉय कर पाते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सुंदर होता था पूजा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग एंटर करने वाले हैं, और हम लोगों से पहले हम लोगों का जो शेरा है वो एंटर कर चुका है। ये देखिए, चलिए आपको हम अपने मंदिर का सैर कराते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे में आपको मेरे मंदिर दिख रहा है वो बेसिकली महादेव का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। और ये जो आपको पीछे में दिख रहा है, ये वाला पेड़ के पीछे, वो है आपका श्री राम भगवान का, राम ठाकुर जी हम लोग बोलते हैं उनको, उनका दिख रहा है आपको। और ये मंदिर का ही पोखर है। आपको मैं नीचे जाके आपको पोखर का प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ। चलिए, ये है सीढ़ी नीचे आने के लिए, ये है सीढ़ी। और वहां पे पर मैं, ये सिर्फ मछली पालन के लिए नहीं है, इसमें कुछ देर के बाद आप देखिएगा इसमें आदमी नहाने के लिए भी आते हैं, और अभी भी बहुत सारे आदमी आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, और जो कि काफी खूबसूरत लगता है। मतलब बेसिकली हम लोगों के गांव का ये स्विमिंग पूल है, और
आज थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी इसीलिए कोई यहाँ पे नहीं आया, अदरवाइज अभी अगर मैं हम लोग आए रहते तो आपको छोटे छोटे से बच्चे दिखते रहते नहाते हुए, क्योंकि अब हम लोग नहा के नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोगों को तैरना नहीं आता है। बट फिर भी हम लोग इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो पोखर आपको दिख रहा है ये पोखर काफी गहरा है, काफी, जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। और वो जो सामने आपको एक लकड़ी सा दिख रहा है, वो जो लकड़ी सा दिख रहा है बेसिकली उसको जाइट बोला जाता है यहाँ पे, मतलब कि मिड पोखर के इस तालाब का जो मिड पॉइंट है वो। तो बच्चे जब इसमें नहाते रहते थे, और अभी भी जो भी बड़े हैं या बच्चे हैं सब में एक ही कंपटीशन रहता है कि कौन यहाँ से एक बार में तैर के जाएगा और उस जो मिड में जो जाइट जो दिया गया है लकड़ी का उसको छू के आएगा। तो ये सब अभी भी होता है, और अभी भी अगर आप आओगे और देखोगे तो सबको देखोगे, सारे बच्चे जो होते हैं वो और जो हम लोगों के एज के होते हैं, हम लोगों से जो थोड़े बड़े भी होते हैं, वो लोग भी यही कंपटीशन लगाते हैं। और पहले भी हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बेसिकली आजकल के तो बच्चे सब थोड़ा सा कम तैरना जानते हैं, जो कि थोड़ा से बाहर रहने के कारण ये सब चीज़ हुआ है। बट जो अभी भी गांव में हैं, जो प्रॉपरली गांव में रहते हैं, उनको कोई स्विमिंग पूल में जाने का जरूरत नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर स्विमिंग ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं होता है, वो लोग खुद बखुद पानी में आते हैं, एक दो दिन में वो लोग सीख जाते हैं। तो यही है। और जब दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ पे एक मंदिर है जो कि अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, हम लोग दिखाएंगे। वो उस मंदिर में मूर्ति बनती है, और उस मूर्ति को दसवीं के दिन इसमें बसाया जाता है। आप उसमें भी आओगे तो देखोगे कि बहुत सारे आदमी आते हैं, और हर एक आदमी हर एक तरीके का भगवान की मूर्तियों को लेकर के पानी में जाते हैं और सब ऐसे डुबा के लाते हैं। बहुत एक्साइटमेंट होता है उसमें, इसलिए ये पोखर अच्छा है। और काफ़ी मेमोरीज हैं हम लोगों के इस पोखर से, को आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ आगे इंटरेस्टिंग चीज़। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको हम लोग चबूतरा बोलते हैं यहाँ के आम भाषा में। यहाँ पे आदमी सब बैठते भी हैं और यहाँ पे पूजा भी किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे पूजा पीपल भगवान का किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे दुर्गा पूजा होती है। इसमें यहाँ पे अंदर में मूर्ति बनती है। अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ दिनों में स्टार्ट होंगे, इसलिए लोग यहाँ पे पूजा फूल वूल देख रहे होंगे। यहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं इसी चीज़ के लिए। अभी कुछ दिनों में, चूँकि कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा आने वाली है, तो मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार सब होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मूर्ति बनाते हैं। अभी मूर्ति बनानी है। अब देख रहे हैं कि वहाँ पे वो पूरा रखा हुआ है, उससे ही मूर्ति बनेगा। और आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का नाम है श्री श्री 108 वैदेही जगदम्बा पूजा समिति। ये उग्रा मंदिर का नाम भी है और ये पूजा जो ऑर्गेनाइज कराते हैं उस समिति का नाम भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर लगा हुआ है, ये बेसिकली बैठने के लिए है। यहाँ पे आदमी जब पूजा के टाइम में जो भी आदमी आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मैट वैट लगा रहता है, यहाँ पे आदमी बैठते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा सामान सब रखा रहता है, स्पेस है, खाली स्पेस है बैठने के लिए। ये मंदिर शिव जी का है। ये देखिए ये पूरे भगवान हैं, ये शिव जी हैं, ये भी शिव जी हैं, भोले बाबा का शिवलिंग। जैसा कि आप शिवलिंग को देख सकते हैं, ये पूरा शिवलिंग है। हम लोग बचपन में आके यहाँ पे बहुत पूजा वूजा करते थे बचपन में ही। पहले यहाँ पे भी एक मंदिर हुआ करती थी, बट इस साल ये टूट गया है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका था। तो इसके जगह पे ये वाला जो आपको दिख रहा है वो मंदिर नया मंदिर बना है और काफ़ी सुंदर है। चलिए आपको ये दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर नया हाल फिलहाल में ही बना है ये वाला। और यहाँ पे गांव के बड़े दादाजी सब आके अपना पूजा कर रहे हैं। ये आपको दूर वो भगवान का मंदिर, वो राम भगवान दिख रहे होंगे, वो दूर राम भगवान सीता भगवान, वो आपको दूर भगवान दिख रहे होंगे। देख रहे हैं यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। और ये जो है ये है, यहाँ पे मंदिर के पुजारी रहते हैं महाराजी बाबा इस अंदर वाले घर में। लेकिन अब ये मंदिर का पूरा पीछे का पोर्शन है जिसमें कि आपको काफी अच्छे अच्छे आम का पेड़, कटहल का पेड़ का बागान लगा हुआ है।
आप देख सकते हैं ये रहा, ये भी प्रॉपर मंदिर का आता है, ये मंदिर की, और वो जो आपको दूर वो जो दिख रहा है वो गाछी सब, वो भी मंदिर का ही आता है। तो काफ़ी कुल मिलाकर मंदिर काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। अभी बारिश होने की संभावना है, अगर हम लोग यहीं रहे तो हम लोग भींग जाएंगे, इसलिए हमें ब्लॉग को शॉर्ट ही रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग अब घर की ओर वापस से चल रहे हैं। मेरा भाई मुकुंद कुछ आपको इस मंदिर के बारे में कुछ कुछ बताएगा। मुकुंद, तो कुछ मंदिर के बारे में बताओ कि तुम्हारा मेमोरी कैसा है इस मंदिर के साथ, बचपन का? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेमोरी है यहाँ पे। हम लोग जब यहाँ पे आते थे, जब यहाँ पे दुर्गा पूजा होता था उस समय जब आते थे यहाँ पे बहुत मजा आता था। पूरी पूरे पूरे दिन हम लोग यही रहते थे, रात को भी रह जाते थे। सप्तमी के बाद से तो हम लोग रात को भी इधर ही रह जाते, पूरी रात घूमते रहते थे। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये सब इसमें पूरा मेला लगता है। जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है इसमें भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरा मेला लगता है। इतना ब्यूटीफुल लगेगा ना इसमें। तो मुकुंद, क्या तुम बचपन के मेमोरीज को मिस कर रहे हो? ऑफकोर्स यार, मिस तो बहुत कर रहे हैं। आइए, और आपको यही चीज़ शुभम भी बताएगा, हमारा बंटी कनी। तो ये हम लोग तो चूंकि गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो मेरा छोटा भाई है, अपना ही है, चचा का लड़का है, ये आपको बताएगा, ये गांव में ही रहता है, ये आपको बताएगा कि अभी भी ये यहाँ पे रह के मंदिर का हर एक दुर्गा पूजा में आता है और मंदिर का मजा लेता है। तो शुभम बताओ, कैसा लगता है दुर्गा पूजा में? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बचपन की जो यादें हैं वो तो काफी अच्छी होगी यहाँ की, तुम्हारी भी। बचपन की जो बचपन होता है बचपन का सारा हम तीनों एक साथ ही आया करते थे। ये तो मेरे पीछे पीछे ही हमेशा रहता था, पूरा चिल करते थे, कोई टेंशन नहीं रहता था, कोई फिक्र नहीं रहता था, मजे करते थे एकदम से बिना किसी टेंशन वेंशन के। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करें। थैंक यू।